हेलो गाइस, आज मैं आप लोग को छोला बनाकर दिखा रही हूँ बिना प्याज लहसुन के। उसके लिए मैंने देखिए छोला ली हूँ और ये दो आलू है, इसे मैं बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। इसे मैं कुकर में डाल दे रही हूँ। देखिए इसमें मैं पानी डाल देती हूँ और थोड़ी सी नमक डालूँगी बॉईल होते समय ही। कुकर को मैं चढ़ा दूँ, 2 से 3 सीटी लगेगी तो मेरी चना बॉईल हो जाएगी। आप लोग को थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा होगा क्योंकि हमारे यहाँ लाइट चली गई है। देखिए मैंने मसाले में क्या क्या ली हूँ। इधर 3 टमाटर का प्यूरी बनाई हूँ और ये अदरक का पेस्ट है और ये हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और जीरा और काली मिर्च पाउडर है और ये है गरम मसाला पाउडर। और इधर मैंने 2 हरी मिर्च काट के रखी हूँ, तेज पत्ता और साबुत गरम मसाला है और 2 लाल मिर्च ली हूँ। इधर देखिए मेरे कुकर में ऑयल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें जो साबुत मसाला था डाल देती हूँ, जीरा और साबुत गरम मसाला, तेज पत्ता और लाल मिर्च। अब मेरे मसाले चटक गए, इसमें मैं ग्रेवी को डालती हूँ। ये मसाले जो मैंने अदरक और हल्दी मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, काली मिर्च पाउडर जो था वही मैं डाली हूँ। ये देखिए मेरे मसाले भून गए, तब मैं इसमें जो टमाटर का प्योरी बनाई थी वो डाल देती हूँ। और मैं जो 2 आलू ये उबाली थी उसे मैं हल्का हाथ से दबाकर डाल देती हूँ मसाले में ही ताकि भून जाए। और इसमें मैं नमक डाल देती हूँ, नमक ये सेंधा नमक है। आज मैं कन्याओं को खिलाऊंगी इसलिए मैं सेंधा नमक बना रही हूँ। ये देखिए अब मसाले तैयार हो गए हैं और इसमें मैं छोला डाल देती हूँ जो बॉईल करके रखी थी। ऐसे चलाते रहना 5 मिनट तक जब तक ये भून ना जाए। Thank you.
और अब मैं इसके ढक्कन लगा देती हूँ। क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से पक चुका है और थोड़ी सी पकाऊंगी, एक सीटी लगाऊंगी और पक जाएगा। ये देखिए हमारा चूल्हे रेडी हो गए हैं। इसमें मैं जो गरम मसाला पाउडर ली थी उसको मैं डाल दूंगी। ये देखिए अब हमारे छोले भुन गए हैं, अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। अब मैं इसे एक मिनट के लिए ढक देती हूँ। ये देखिए छोला कितना अच्छा रेडी हो गया है। आप भी इसी तरीके से बनाइए और लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा बना हुआ है, और बेल को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपके पास चली जाए।